वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए वाल ग्रूविंग कटिंग मशीन लेके आऊँ जो सा हमारे वाल में ग्रूविंग वगैरह करती है, कटिंग वगैरह करती है। दोस्तों ये किस नाम से आती है? ये गोल्डन बुलेट के नाम से आती है। सबसे बड़ी बात है ये हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये किन किन भाइयों के काम आती है, जैसे कोई भी प्लम्बर वगैरह है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम करता है, जैसे एसी वगैरह का काम करता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो भी हम झरी वगैरह करते थे छैनी हथौड़े की मदद से करते थे, उसके अंदर क्या होता था, एक तो जो सा लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती थी और टाइम भी, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था, उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती थी। इस मशीन के द्वारा क्या है, एक तो आपकी कटिंग बड़ी जल्दी हो जाएगी। जैसे 10 फुट की उदाहरण के तौर पे 10 फुट की हम वाल की झरी कर रहे हैं, उसके अंदर 2 घंटे हमारे लग जाते हैं। उसी झरी को करने के लिए ये मशीन 10 मिनट के अंदर कर देती है। जैसे आपकी 4 इंची की वाल है, उसको क्या होता है, आदमी डरता है यार टूट ना जाए, पल्ली तरफ ना गिर जाए, एक तो पड़ोसी भी ज़्यादा परेशान होता था। इससे क्या होता है कि आपकी बड़ी मक्खन की तरह आपकी कटेगी दीवार, जैसे हम आरी के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का जो सा हमने लाइक का टारगेट रखा हुआ है वो मैंने 5,000 का रखा हुआ है। मुझे पता मेरे कारपेंटर भाई कर देंगे, सभी भाई जिनसे बहन भाई देखते हैं वो कर देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे पीछे की वीडियो में मैंने बोला था कि जिस भी भाई का हमें कमेंट अच्छा लगेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जैसे ये हम सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा भाई का कमेंट, क्या हमारे में बोला चैनल के बारे में। दोस्तों कमेंट का मतलब यही होता है कि आपके हमें टेस्ट का पता लग जाता है, आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हो, कि वुड वर्किंग पर चाहते हो, क्या टूल पर चाहते हो। जैसे पिछली वीडियो में किसी ब्रदर ने कमेंट किया था कि हमें वाल ग्रूविंग मशीन के ऊपर दिखाओ वीडियो, तो दोस्तों मैं ये वीडियो लेके आऊं वाल ग्रुपिंग के। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें तो मुझे पता लग जाएगा आपका टेस्ट कैसे। और दोस्तों जितने भी हमारे सब्सक्राइबर नए सब्सक्राइबर आते हैं, हमारे भाई आते हैं, क्या वो करते हैं चैनल को वीडियो तो देख लेते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि उन भाइयों का हमें प्यार नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि आप भाइयों की हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले कि हमारा चैनल और बड़ा हो, क्योंकि जितने भी इस फील्ड में नए कारपेंटर बच्चे वगैरह आते हैं तो मैं यही कहता हूं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि आपको वुडवर्किंग पर वीडियो देखनी है कि आपके टूल के ऊपर देखनी है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों जिस बॉक्स के अंदर टूल है हमारा, ये काफ़ी यानी कि हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चीज़ वगैरह गिरेगी तो हमारा अंदर का टूल वगैरह डैमेज नहीं होगा, यानी कि कंपनी ने इतनी हिफाजत की हुई है अंदर वाले टूल पे। और सामने आपको ब्रांडिंग भी नज़र आ रही होगी और इसका मॉडल नंबर है WGM9567। ये इसका दोस्तों मॉडल नंबर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने। दोस्तों सबसे पहले क्या हमें मिलती है, मैनुअल बुक मिलती है जिसके अंदर गाइडेंस वगैरह दी होती है कि किस प्रकार ये चलेगी, क्या क्या इसकी डिटेल वगैरह है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर एक हमें एक कूपन मिलता है जिसके अंदर बाइक और ये मोबाइल है, इसको स्क्रैच करके यहाँ पर आप कर सकते हो, जो भी भाई इसको परचेज करेगा इसको हम साइड कर देते हैं। और दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मिलता है मैं पहले निकाल लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये सामान हमें इसके साथ मिलता है, एक हमें मशीन मिलती है, एक हमें ये वाटर लेवल पाइप मिलता है, और एक हमें इसके साथ ये चाबी मिलती है की, और एक ये हमें ये उसके लिए मिलता है जैसे वैक्यूम वगैरह लगाते हैं उसके अटैच के लिए मिलता है। और दोस्तों दो हमें ये कार्बन ब्रश मिलते हैं, इसके अंदर 2 कार्बन ब्रश हैं, और 2 हमें ये प्लेट मिलती हैं इसके अंदर, और एक हमें इसके अंदर ये वाटर पंप मिलता है जिसकी मदद से मशीन प्रेशर जाता है पानी के ऊपर, ये भी मैं आप बताऊँगा। और 2 ये हमें ब्लेड मिलते हैं, 3 हमें इसमें ब्लेड मिलते हैं, स्टोन ब्लेड है जो सा कटिंग वगैरह करते हैं। जो सा दोस्तों इसका जो सा साइज है ये 129 mm है, इसे 129 mm है, और जो सी इसकी मोटाई है 4.5 mm की इसकी मोटाई है, आपको नज़र आ रहा होगा ये। और दोस्तों ये इसकी मशीन है इसके साथ।
दोस्तों मशीन इनकी काफ़ी हैवी ड्यूटी है और काफ़ी यानी कि जौन सा कलर वाइज भी है काफ़ी अच्छा है, यानी कि ऑरेंज और ब्लैक कलर के साथ इन्होंने कर रखा है। ये इनका जौन सा बॉडी स्ट्रक्चर है, ये इनका प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है, और जौन सा ये वाला है ये सारा इनका अल्मोनियम का है। ये सेक्शन जौन सा आपको नजर आ रहा होगा ये अल्मोनियम का इसका सेक्शन है। और दोस्तों इसकी वेट की बात करें जिस हिसाब से इसकी यानी कि परफॉर्मेंस है तो इसका 6 किलो 200 ग्राम इसका वेट है, जौन सा इसका वेट है 6 किलो 200 ग्राम इसका वेट है। और दोस्तों इसकी वायर भी हम देख लेते हैं कितनी है हमें मिलती है इसके साथ वायर हमें। दोस्तों वायर काफ़ी लंबी वायर है, ये 3.25 मीटर के करीब इसकी वायर है, कॉपर वायर है, काफ़ी मोटी वायर है और जो सी इसमें बैंडिंग की हुई है वो भी कॉपर बैंडिंग इसकी में कर रखी है इन्होंने। और दोस्तों यहाँ हमारा वैक्यूम फिट हो जाता है, जौन सा मैंने आपको पंप बोला है, पंप हमारा यहाँ फिट होता है, जैसे हमारा वाटर लेवल यहाँ फिट हो जाएगा पाइप वगैरह। ये मैं आपको वर्क करके भी दिखाऊंगा जी किस तरीके से वर्क होगा, ये हमारा इस जगह लग जाएगा और ये हमारा इस जगह लग जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारे जो सा वाटर का टैंक होगा उसके अंदर चले जाएगा, ये वाला पोर्शन उसके अंदर डिप हो जाएगा, ये हमारा बाहर रह जाएगा। ये ऑन ऑफ का है, इसके जरिए आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये पाइप भी काफ़ी लंबा है, यानी कि अगर वर्क वगैरह भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाइप की जो सी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम आप देखो सर्दी में तो क्या होता है पाइप बड़ा हार्ड हो जाता है, ये बिल्कुल नायलॉन की तरह काम कर रहा है। यानी कि आपको यानी कि इसका मतलब ये नायलॉन का मतलब ये हो गया कि वर्किंग करते समय ये आपको दिक्कत नहीं करेगा, आपका पाइप वगैरह दिक्कत नहीं करेगा। और दोस्तों जो सी इसकी ग्रुपिंग वगैरह कितनी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, मैं आपको वर्क करके भी दिखाऊंगा ये झरी किस तरीके से डालता है। दोस्तों इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये देखो यहाँ इन्होंने गेज दे रखा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये गेज दे रखा है, यानी कि कितनी गहरी आपने करनी है। अगर 36 mm करनी है तो 36 कर सकते हो, 22 कर सकते हो और 28 कर सकते हो और 24 कर सकते हो, ये किस हिसाब से आपने सेट करनी है। ये देखिए ये इसके गेज को हम क्या करेंगे, स्क्रू ढीले कर देंगे। ये दोनों तरफ ऐसे बना हुआ गेज राइट और लेफ्ट में, ये देखो गेज का पॉइंट है किस हिसाब से आपने गेज करना है। ये देखिए यानी कि गेज का मतलब ये है कि ब्लेड आपका यहाँ पर आके ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ये हमारा वाल के साथ मूव करने लग जाएगा, ये इस तरीके से करेगा, ये इसको पीछे कर दिया, ये हमने आगे कर दिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, यानी कि झरी आपको कितनी गहरी डालनी है, कि 1.25 इंची करनी है, जिस हिसाब से करनी है। और दोस्तों नीचे ये दिए रखे हैं, ये आपको बैरिंग नज़र आ रहे होंगे, ये वाल के साथ चलते हैं हमारा, यानी कि मशीन एकदम जिस हिसाब से मैंने आपको वेट बताया 6 किलो 200 ग्राम इसका वेट है, क्योंकि जब वाल के साथ बिल्कुल चलते हैं मूव करेंगे एकदम मशीन बिल्कुल हमें हल्की लगेगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ, ये इस तरीके से मूव करते हैं, ये इस तरीके से मूव करते हैं। जौन सा ब्लेड डालना है ये चीज़ हमारी खुलेगी तो इसके अंदर हमारे 3 ब्लेड डलेंगे, तो ब्लेड का साइज है इन्होंने प्लेटें दे रखी हैं, जैसे आपने 1.25 इंची का करना है, 7 सूत का करना है, आप उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, दोस्तों खोलने के लिए ये इन्होंने साइड में लॉक दे रखा है, यानी कि जिसको हम पुश करेंगे अंदर की तरफ, ये हमने पुश किया और ये हमारा खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा और ये हमारी प्लेटें दे रखी होती हैं इन्होंने। ये देखिए 1, 2 ये प्लेटें इन्होंने दे रखी हैं साथ में, हमें 8 प्लेटें हमें दे रखी हैं इन्होंने, 2 प्लेटें हमें इसके साथ एक्स्ट्रा मिलती है, जो सा 5 mm का अगर ग्रुपिंग देनी हो तो उस तरीके से दे सकते हो, क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी है, 5 mm की है वो 3 mm की है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे पहले ये वाली डाल ही देंगे इसके अंदर। दोस्तों ये ब्लेड ना सबसे अलग है, जो से हम कटिंग के लिए आमतौर पर उसके लिए ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाले ब्लेड नहीं है, काफ़ी हैवी ड्यूटी ब्लेड हैं ये, और हमें ब्लेड इस तरीके से डालना है जैसे ये मैं डाल रहा हूँ।
दोस्तों के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ है इसका जो सा ये अपना ये गेज है, ये दोनों तरफ है, देखो ये इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है, ये आपको दोनों तरफ ऊपर नीचे डाउन कर सकते हो, इधर के भी आप कर सकते हो, दोनों तरफ के कर सकते हो। दोस्तों जैसे हमने ये ब्लेड बांध दिए, इसके साथ ये गार्ड है, ये ऑटोमेटिक जैसे आप करोगे ना, आप जिस तरह से कटिंग करते होगे ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, और जब जैसे सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, देखो अपने आप सेफ्टी, जैसे हम काम करेंगे कोई भी यहाँ से कंकर पत्थर वगैरह हमारे मुंह की तरफ नहीं आएगा, यानी कि इसको हम सेफ्टी गार्ड कहते हैं। और दोस्तों इसका हैंडल 0 से लेकर 90 डिग्री तक रोटेट होता है, वो कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, ये देखिए जैसे ये इनका यहाँ पर ये स्विच है, तो इस तरीके से जैसे मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये घूम गया, जिस तरीके से आप वर्क करोगे ये आपका ऊपर नीचे हर एक तरीके से मूव हो जाएगा, ये देखिए। दोस्तों जो से इसके आरपीएम है 7,500 हैं, कई कारपेंटर भाइयों को पता नहीं होगा आरपीएम क्या होते हैं, आरपीएम क्या होते हैं, कोई भी व्हील हमारा चक्कर लगाता है एक मिनट में कितना चक्कर लगा, एक मिनट में ये 7,500 बार इसके व्हील घूम जाते हैं, ये जो से 7,500 बार घूम जाते हैं। और दोस्तों इसकी जो सी वाट है 2,500 वाट की है, यानी कि 2,500 वाट है इसका जो सा, और वेट के बारे में मैंने बता दिया है 6 किलो 200 ग्राम इसका वेट है, बाकी हम इसको ऑन करके देखते हैं। दोस्तों इस मशीन की सबसे ज़्यादा खासियत क्या है, एक तो पकड़ने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने जोन सी इसकी इंस्टॉलेशन कर रखी है, नहीं तो आमतौर पर क्या होती है सिंगल होती है, कंपनी को भी पता है ये वाटर में भी जाएगी, वाटर का काम भी करेगी, तो इसके इंस्टॉलेशन है जोन सी 2-3 बार कंपनी ने कर रखी है, ये सबसे बड़ी इसकी बेहतर बात है। और इसका ब्लेटों का ये मार्किंग इन्होंने दे रखी है, ये ब्लेट ऐसे डलेंगे वो मैंने आपको बता दिया, जिनको नहीं पता यहाँ पर मार्किंग वगैरह दे रखी है। और दोस्तों जो ये हमारी कटिंग ग्रूविंग मशीन है, इसका जो प्राइस है 13,500 रुपये है, एक बार मैं फिर बोलता हूँ, कई भाई कन्फ्यूज हो जाते हैं, 13,500 रुपये इसका प्राइस है। और दोस्तों आप यहां से आपने परचेज किया है, जहां से मैंने परचेज किया है मैं आपको बताता हूं, ये अमेजोन पर अवेलेबल है, तो अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों चलिए हम ना वाल के अंदर ना झरी निकाल के देखते हैं इसके साथ कैसे निकलती है। सबसे पहले क्या करना है, हमने जो था वाटर का जो था नोजल है हमने यहाँ फिट करना है इस जगह, क्योंकि इसके बगैर चलेंगे नहीं, क्योंकि वाटर के बगैर आपने ये चलाना नहीं, ब्लेड हमारे खराब हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये इसमें फिट करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास वाटर पंप है, तो हम क्या करेंगे इसको पानी के अंदर डिप करेंगे, क्योंकि इसकी मदद से ही मशीन में पानी आएगा, तो हमने ये डिप कर दिया। ये देखो दोस्तों इसमें डरना नहीं, इसमें करंट वगैरह नहीं आएगा, फिर भी सेफ्टी तो हमने रखनी है। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब इसके अंदर क्या होगा, ये वाटर लेवल पाइप है तो इसके अंदर हमारा पानी आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये देखिए पानी आ गया, बड़ा प्रेशर से पानी आ रहा है, ये देखिए ये नीचे पंप चालू है। अब क्या करेंगे हम इसको अपनी मशीन में लगाएंगे। दोस्तों पानी वाला पाइप हमने यहाँ लगा दिया, इस नोजल की मदद से आप वाटर का कम बढ़ते भी प्रेशर कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारा ये वैक्यूम लगेगा जिसके साथ डस्ट वगैरह सारी इसके ये हमने फिट कर दिया इसके अंदर। ये देखो बड़ी आसानी से फिट हो गया इसके अंदर, ये फिट हो गया। दोस्तों दोनों चीज़ें हमने फिट कर लिया, मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ इसके साथ ग्रूविंग झरी कैसे निकलेगी। दोस्तों हमारी ये झरी निकल चुकी है, ये देखिए अब इसके अंदर ये हमारे पास पाइप है, ये हम फिट करके देखेंगे इसके अंदर। दोस्तों बिल्कुल एक और ऐसी आई है। एक मैं चीज और बता दूं, आप अब झरी अगर चौड़ी भी करना चाहते हो 1.5 इंची तो अपने मुताबिक आप कर सकते हो, इसके अंदर प्लेटें और डाल दो, गैप ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से आई है। अगर मैं इसी झरी को करता कम से कम मेरा ज्यादा नहीं आधा से पौना घंटा लगाना था, जो था ये 2 या 3 मिनट में होगी। क्या कई बार क्या होते हैं, हम लोग ये झरी वगैरह रफ काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बाहर से पटरी से मजदूर पकड़ लाते हैं ठेकेदार, क्योंकि ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि इस मशीन के साथ अभ्यास होना बहुत जरूरी है। जिस भी कारीगर को 5-6 साल का अभ्यास हो तो उसी को आप मशीन दीजिए। ये
दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।